ठाकुर जी आई हुई है, उनका तालियों से स्वागत। दोस्तों सबसे पहले तो जय हिंद, हैप्पी न्यू ईयर। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ आप सभी का, जो पीछे हैं, जो आगे हैं, जो साइड पर हैं, जो हर तरफ हैं, जामिया के सभी स्टूडेंट्स और यहाँ की सिविल सोसाइटी को मेरा सलाम और मेरा आभार। क्योंकि आपने और आपके इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन ने इस देश के ईमान को वापस जगाया है। हम सो रहे थे, आपने हमें जगाया है। ये जो आज भारत के हर शहर में ये जो जन सैलाब आया है विरोध का और एकता का, इसे हमें सिर्फ विरोध की तरह नहीं देखना चाहिए, ये एकता है, ये समर्थन के प्रदर्शन है, ये हमारे देश के उस सपने के साथ समर्थन का प्रदर्शन है जो एकता का सपना था, भाईचारा का सपना था, बराबरी का सपना था। मुझे लगता है कि ये जो आज हमारे बीच हो रहा है, ये पहले हो जाना चाहिए था, ये तब हो जाना चाहिए था जब दादरी में अखलाक की जान गई थी। हम देर से जागे लेकिन अब हम जाग गए हैं। एंड इसके लिए, इसकी जिम्मेदारी, इसका क्रेडिट, इसका आभार इस देश जामिया के, एएमयू के और इस देश के छात्रों को जाता है। ये आपका मूवमेंट है, ये किसी नेता का मूवमेंट नहीं है, ये किसी सेलिब्रिटी का मूवमेंट नहीं है। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको थैंक यू बोलने आ रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं कौन होती हूँ किसी भी किस्म का भाषण देने वाली आपको, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि ये जो हमने पिछले 5-6 सालों में अपने देश में देखा है, एक नफरत को अलग अलग किस्म की चालें चलकर हमारे देश में लेजिटिमाइज किया जा रहा है। कभी वो एंटी नेशनल होता है, कभी वो टुकड़े टुकड़े गैंग होता है, कभी वो कोई नई स्कीम होती है, कभी ट्रिपल तलाक की स्कीम होती है, कभी वो अब नई स्कीम आई है CAA की। आई थिंक कि अब हम सब समझ गए हैं कि खेल क्या है और हम इन्हें ये खेल नहीं खेलने देंगे। आज मैं इस मंच से ये चीज जरूर कहना चाहती हूँ कि ये कोई दो राहें नहीं है कि ये जो CAA, NRC, NPR है, ये एक टारगेटेड कानून है, इसका एक टारगेटेड एजेंडा है और टारगेट है भारत का जो मुसलमान समुदाय है। लेकिन इसके घुन में सिर्फ मुसलमान नहीं पिसेगा, इसके घुन में हर भारतीय पिसेगा। और ये जो कानून है, ये सिर्फ मुसलमानों पे अटैक नहीं है, ये इस देश के संविधान पे अटैक है, ये इस देश के बेसिक मूल आइडिया पे अटैक है। हमने 1947 में एक निर्णय लिया था कि इस देश में धर्म और नागरिकता का कोई लेना देना नहीं होगा, इस देश की मिट्टी यहाँ नागरिकता देगी, ना कि कोई पार्टी संसद में बैठी हुई। और मैं ये जरूर कहूंगी कि जो लोग इस देश में हमें हमारी वफादारी का इम्तिहान लेने को कहते हैं, हमारी नागरिकता का इम्तिहान लेने को कहते हैं, तो मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि हमें कोई हक नहीं है भारत के मुसलमानों से किसी किस्म का इम्तिहान मांगने का। भारत के मुसलमान ने 1947 में अग्नि परीक्षा दे दी है, आपको कोई और टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है। हमारा हक नहीं बनता आपसे और कोई सवाल पूछने का नागरिकता, वफादारी और धर्म ईमान के ऊपर। अब वक्त आया है कि हम अपने धार्मिक आइडेंटिटी को भूल जाएं। अब वक्त आया है कि हम सब भारतीय होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, अपने देश के लिए, अपने संविधान के लिए और उस सपने के लिए खड़े हों। और मैं ये जरूर कहूंगी कि जो लोग ये नया कानून मांग रहे हैं, वो इस देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। क्योंकि आप भारत के हित में कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ जिन्ना का
रहे हो और हम लोग अब यहाँ खड़े हैं, हम गांधी जी का सपना पूरा कर रहे हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, मुझे लगता है आज हम सब यहाँ पे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कल यहाँ पे आपने इस देश को देश प्रेम दिखाया था, आज हम यहाँ इस मंच से, मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर हम अपनी एकता का प्लेज लें। तो आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। दोस्तों, संजय भाई यहाँ थे, वरुण ग्रोवर ने एक बहुत ही बेहतरीन, मुझे लगता है एंथम लिखा है हमारे इस मूवमेंट के लिए। हम कागज नहीं दिखाएंगे, ये हमारा नारा है कि चाहे जो हो जाए, हम सड़कों पर आ जाएंगे, हम लाठी चार्ज खाएंगे, लेकिन हम कागज नहीं दिखाएंगे। तो एक बार एक सुर में मेरे साथ आप ये नारा लगाइएगा, तानाशाह होकर जाएंगे, शुक्रिया आपका। और एक बार फिर से, जामिया तेरी हिम्मत को है सलाम, है सलाम, जामिया तेरी हिम्मत को है सलाम, है सलाम, 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 लखनऊ तेरी हिम्मत को, मुजफ्फरनगर तेरी हिम्मत को, नगीना तेरी हिम्मत को, भोपाल तेरी हिम्मत को, मुंबई तेरी हिम्मत को, तिरंगा तेरी एकता को। हमारे तिरंगे में नारंगी, सफेद और हरा समान मात्रा में है, हम किसी एक रंग को ज्यादा नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वरा भास्कर जी का। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से हम आपको एक बुक गिफ्ट करना चाहते हैं। ये मशहूर हिस्टोरियन प्रोफेसर मुसर्रिल हसन द्वारा लिखा हुआ किताब है, पार्टनर्स इन फ्रीडम, जामिया मिलिया इस्लामिया, यानी जामिया मिलिया इस्लामिया का बुनियाद रखने वाले लोगों ने आजाद कराने में क्या अहम योगदान दिया, उसमें एक बुक है। हम स्वर्ण भास्कर जी को ये बुक जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से गिफ्ट करना चाहते हैं।